अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आगे मैं कॉर्ड ब्रांड वीडियो के साथ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अभी जो आप डेमो देख रहे हो, हाँ, आ रहा है यहाँ पे गॉडजिला भाग रहा है, कॉन्ग, और पीछे मंकी आ रहा है। तो ये एक ऑसम सी चीज़ है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मंकी है ना, अब ये गेम प्ले में आके हमारे साथ रहेगा, और इस बंदर के बच्चे का हम प्यारा सा नाम रखेंगे, और ये हमारे लाइक गेम प्ले को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरी एनोनिमस की पब्लिक फ्यूचर वीडियोस में, और जो हमारी क्रिएट ओपनिंग वीडियो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तो आप बड़ा इन्जॉय करोगे। तो इसी बात पे ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था, पहले दिखाना चाहता था, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ाना चाहता था आप लोगों की। तो होप सो आप वेट करोगे उस टाइम का, जब हम जल्दी से, एक दो वीडियोज़ का वेट है बस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो शायद इसकी आ रही हो, तो हम जल्दी से फिर अपना गॉडजिला और ये गॉडजिला के बच्चे के साथ खेला करेंगे। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, इतनी फनी फनी बातें किया करेंगे हम इस बच्चे के साथ। तो चलते हैं आज के हमारे गेम प्ले की तरफ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि किसी को आदत होती है चाय की, किसी को सिगरेट की, और किसी को शौक होता है पान। वाह 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 वाह। किसी को आदत होती है चाय की, किसी को, मैं यार भूल जाता हूँ ना मुझे, हाँ, किसी को आदत होती है चाय की, किसी की तो मैं आपके लिए पहले सस्ती शायरी याद करूँ, और जब मैं सुनाने आता हूँ ना मेरी फी हो जाती है। किसी को आदत होती है चाय की, किसी को सिगरेट की, और किसी का शौक होता है पान। ईद वाले दिन धोखे से हमारी ईदी ले लेती थी हमारी अम्मी जान। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो प्लेन में नाम आए थे, ये जिन वगैरह भाई, ये पूरा ग्लैन था। और यकीन करो पब्लिक इतने ज़्यादा बंदे पचिंग किए आए थे कि दिमाग आउट हो गया था। और आज वो दिन है, मतलब आपको पता है कि सम टाइम आपका अनोनिमस आपके लिए लेके आता है कंप्लीट गेम प्ले, बिना कट किए, बिना एक सेकंड के भी कट किए आप लोग को कंप्लीट गेम प्ले दिखाता। तो आप शायद आज वही देखने वाले हो, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। हमने जम के पचिंग की तौबा, मेरे मालिक अस्तगफुरुल्लाह, हमने जम के पोचिंग की, जिसका नाम हमने रखा हुआ है पिंडी बाबा जी। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अब हमने यहाँ पे जम तो कर दिया था, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कितने बंदे आने वाले। इतने ज़्यादा बंदे, मतलब जहाँ तक मैंने एस्टिमेट लगाया था नाना करके, कुछ 30 बंदा आया था टोटल, ठीक है, इतना आए थे। वो मैं आपको मतलब हिसाब से ही बताऊंगा, और आप लोग इस बात को तस्लीम भी करोगे, बस बिना मतलब फुल फुल कॉन्सेंट्रेट करना है, फुल ध्यान से देखना है, तो आप इस चीज़ को स्ट्रीम करोगे कि हाँ इतने बंदे थे मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम पचिंग की यानी पिंडी में एक साइड पे उतरे थे, और यहाँ पे ना उतरते लाइक इसमें फाइट शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, काफ़ी अलग अलग जगह पर उतर गए थे। और बहुत से लोग आपको पता है ऐसे होते हैं जो लाइक बानोस जाएंगे, वेरोस जाएंगे, वो भी ये बानोस भी पचिंकी के अंडर आते हैं, वेरोस भी पचिंकी के अंडर आते हैं, और यहाँ पे आके वो लोग फिर वहाँ से गन उठा के पचिंकी में रहते हैं। तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। अभी हम उतर गए थे, और हमने ना रूट स्टार्ट कर दी, लेकिन समटाइम पचिंकी में ऐसा होता है कि आपको फ़ौरन से गन मिल जाती है, पहले घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर से, लेकिन बहुत काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको गन मिलती नहीं है। तो हमें गन मिल ही नहीं रही थी, फाइनली मैं क्रॉस करने का फैसला करता हूँ और लेफ्ट साइड चला जाता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि सामने वाली साइड पर पचिंकी में फाइट हो रही है। तो जितने किल हम करेंगे और जितने किल लाइक टोटल फाइट्स वगैरह में हो रहे हैं, वो आप एस्टिमेट लगाना, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अब जो है, पहले क्या होता था, बंदे उतर रहे होते थे ना, आपको आइडिया हो जाता था कि चार बंदे आ रहे हैं, तीन बंदे आ रहे हैं। अब वो उतरते हैं जुड़ के, बिल्कुल समझ नहीं लगती। तो इसमें बॉट वॉट भी हैं, टोटल बंदे में आप बॉट भी गिन सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, हाँ, या बॉट भी काउंट कर सकते हैं। हमारे अब ये बॉट भैया हमें गन देने आए थे, AKM, जो कि लाइक मोस्ट फेवरेट गन है बहुत ज़्यादा लोगों की, और ये गन आपको हर मैप में मिल जाती है। तो AKM हमने हम उठा ली थी, एक किल मेरा अलहमदिल्ला हो गया था, एक किल हो गया था साइलेंट का, और हम पचिंकी में आगे बढ़ने लगे। मैं एक ज़रा सेकंड के लिए कट नहीं करने वाला, क्योंकि इतनी इंटेंस फाइट, इतनी बार मैं नॉक हुआ, इतनी बार मैंने नॉक किया। अब मैं सामने आता हूँ, यहाँ पे एक और बॉट मुझे शायद नजर आया, मैं उसकी तरफ भाग रहा था, ये बंदा था, अल्लाह जाने बॉट था, मैं इसको नॉक कर दिया। इतनी देर में भाई लेफ्ट से एक बंदा विंडो में कैम्प करके बैठा था, उसने मुझे डाउन कर दिया। अच्छी बात, मेरा किल कन्फर्म हो चुका है, उसने बिल्कुल भी साउंड नहीं दिया। और हमारे टीममेट को फिर मैं बोलने लगा, भाई बचा ले ज़रा, ध्यान से खुद ना मर जाएं, क्योंकि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था पब्लिक, मेरा गेम प्ले ना बनने का, मतलब ना बनने का वो उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो नहीं बनने वाला, और मेरा गेम प्ले नहीं बन रहा था।
यहाँ पे मेरे टीममेट को बोला भाई तू ध्यान से वापस आ जा। उसने मेरे टीममेट को भी मारा, इसकी हेल्थ आप देख सकते हो साइलेंट की बिल्कुल 5 HP थी, मैं भी नॉक पड़ा था, तो हम एक तरीके से डेड हो चुके थे। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे नींद आ रही है पब्लिक, यकीन करो भी मैंने एक गेम प्ले एडिट किया और वो हमारा जो गॉडज़िला का ग्रेट ओपनिंग है, और अब मुझे अगेन अगेन जो है ना उसको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वॉइस में कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो फिर मुझे दोबारा से आप लोग के लिए एडिट करना पड़ेगा। अब मेरी अनोनिमस पब्लिक, यहाँ पे हम फर्स्ट एड वगैरह लगाने लग गए और हील भी हम हो गए थे। लॉबी काफ़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि लॉबी मज़े की नहीं थी, बहुत ज़्यादा मज़े की लॉबी थी, अच्छे अच्छे पाकिस्तानी प्लेयर आए हुए थे, तो हम यहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं। 2 किल अलहमदिल्ला मेरे थे, कुछ किल साइलेंट के थे, और हम आगे फोकस करने लगते हैं फाइट पे। ये जगह लूटेड थी, कोचिंग की में ऐसा होता है कि आप अगर मूव कर रहे हो लूट के लिए तो आपको लूट नहीं मिलने वाली, वहाँ पे बंदे ऑलरेडी लूट के जा चुके होते हैं। आप लूट के लिए कभी कोचिंग की नहीं आ सकते, अब फाइट के लिए कोचिंग की आ सकते हो पब्लिक, ऐसा सीन है। तो यहाँ पे हमने नेट किया और ब्लैक भैया को डाउन कर दिया। अब राइट पे नेट किया था मैंने, ये वाला नेट लेफ्ट पे फेंका कि अगर वहाँ पे जा रहा होगा रिवाइव के लिए तो वो वहाँ पे फट जाएगा, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ से जो है ना काफ़ी इंटेंस सीन शुरू हो जाता है, दूर से मुझे पड़ी यहाँ पे दो, आप कह सकते हो तीन टीम्स बिल्कुल जुड़ जुड़ के खड़ी होंगी, 12 बंदे तो ऐसे हो जाते हैं, 10-12 बंदे। ये अब देखना वो कैसे होगा, एक हम एक सामने वाली टीम जो और एक लेफ्ट पे टीम थी, वो एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे कोई टीम मरे और हम अंदर रश करें। मैंने एक स्मोक फेंक दिया, एक बंदा जिसको बचाने आया था वो आई गेस भाग गया था। 3 किल अलहमदिल्ला मेरे हो गए थे, और मैं यहाँ पे फ़ौरन से जो है ना लूट वगैरह करके M4 नज़र आती है, बैरल की जगह M4 उठा लेता हूँ, क्योंकि बाबा जी व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो मैंने फ़ौरन से यहाँ पे लूट कर ली, उसके बाद अभी स्मोक वगैरह करके दूसरी क्रेट लूटने आ जाता हूँ। सामने बंदा होता है तो शुक्र है मैं टाइम पे लेट गया, और सामने वाली बिल्डिंग में भी वो लेफ्ट वाली बिल्डिंग में भी बंदे। अब यहाँ पे बंदे बंदे जो है आपको नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि आपको चिंकी में समटाइम ऐसा होता है कि बहुत स्क्वाड गन फाइट ले लेते हैं और जल्दी जल्दी मतलब फाइट हो रही होती है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि अलग अलग जगह पर उतरते हैं और काफ़ी लेट फाइट होती है। तो यहाँ पे लेजेंड भैया को हमने डाउन किया, द लेजेंड टू नाम था उनका, वैनम भैया को भी डाउन कर दिया, 2 बंदे इनके डाउन है, तीसरे बंदे को मैं स्पॉट कर लिया था, तीसरे बंदे को भी डाउन किया और ऐसे मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी। साइलेंट हो गया नेट से नॉक, अब हमारे लिए थोड़ी सी मुसीबत हो गई थी, तो हमने यहाँ पे एक स्मोक फेंक दिया कि ऊपर कोई रश ना करे नेट समझ के, या फिर उसको नज़र नहीं आएगा तो वो रश नहीं करेगा। ये एक अलग स्क्वाड था, ये एक अलग टीम थी, तो भाई मैं यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट को रिवाइव दे रहा होता हूँ फ़ौरन से, जो उसको हीलिंग वीलिंग करा देता हूँ। जैसे ही मैं उतरता हूँ मुझे लगता है अब बंदे मर चुके हैं, पीछे और बंदे होते हैं, मुझे दूसरी साइड से अलग पड़ जाती है, अभी वहाँ पर अलग बंदे बाकी थे। तो जितनी लूट मैं यहाँ से उठा सकता था इनकी मैंने उठाई, 6 किल अलहमदिल्ला मेरे हो गए थे, और अभी पूछिंग की में जो बंदे ख़त्म नहीं हुए थे, बंदे बाकी थे, मौली वाली हो रही थी हम पे। अभी भी एक टीम वो जिसने मुझे मारा और एक टीम अभी भी हमारे लेफ्ट में क्लोज में है पब्लिक, वो आपको मैं बताऊंगा लाइक किस साइड पे। तो पहले मैं यहाँ पे बैंडेजेस वगैरह लगा के अपनी हेल्थ पूरी कर रहा होता हूँ, जो हमारी ज़िंदगी जो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी ज़िंदगी में ऐसे बोलता हूँ पानी बनाने के लिए, पर ज़िंदगी जो हमारी है वो ख़तरे में आई होती है बाबा जी। हमारे साइलेंट सर नीचे चले जाते हैं, रेड जोन बार बार बन रहा होता है। अच्छा ये हम लोग सोचते हैं, पता नहीं ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं जहाँ रेड जोन है वहाँ बंदे होंगे, है ना पब्लिक, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। अब साइलेंट सर ना बंदों के चले जाते हैं क्लोज, सामने वहीं पे कहीं पे बंदे होते हैं जहाँ से, अच्छा पचिंकी में समटाइम ऐसा होता है कि हर एक जगह पे अलग स्पॉट आ जाता है, और फिर वह वहाँ पे अच्छे से लूट करेगा, फिर वहाँ पे होल्ड करके बैठ जाएगा, और अभी तक देखो आप कह सकते हो कि 40 अलाइव रह गए, और ये जिन वाले जो आए हुए थे ये भी यहीं पर थे, इनसे भी हमारी फाइट होने वाली है, पता नहीं यहाँ पर थे या नहीं, लेकिन आई गेस यहाँ पे आ गए थे तुम कुछ कहने से। तो भाई ओके ये रहा जिन ऊपर कैंप कर रहा था ये बंदा, फाइन जिन ऊपर रश करके इसके कान के नीचे लगाया, इसको बकरा बनाया और इसका किल हो गया कंफर्म। अब पब्लिक सामने से आ रहा था साउंड, तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा था अपना पेन किलर वगैरह लगा के। ओके साइलेंट ने मेरी टीममेट ने एक और बंदे को डाउन किया, वो भी इन्हीं का बंदा था जिन करके, और फिर इनका एक और बंदा आता है लेट जाता है वहाँ पर आके, फाइन जिन ये भी, उसने भी कोशिश की कि ये अपना जो है रिफ्लेक्स सिखा सके, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया बकरा बनाया। अब ये 3 बंदे जो हैं वो मर चुके हैं, इनका चौथा बंदा फिलहाल यहाँ पे नहीं था, होगा पोचिंकी में बट इनको बचाने के लिए वो नहीं आया, उसने अपना ही सोच लिया होगा कि मैं इंतकाम लूँगा इंतकाम, ऐसा कुछ सोच लिया होगा उसने। तो भाई यहाँ पे मैं लूट वगैरह करने लगा और साइलेंट चला जाता है आगे साइड वाली साइड पर होते हैं बंदे, मुझे पड़ती है बंदे वाली, मेरी हेल्थ चली जाती है, मेरी वेस्ट उड़ जाती है पब्लिक। तो हमारे जो भैया हैं साइलेंट भैया वो लेफ्ट से चले जाते हैं स्क्वाड पर रश करने,
और मैं फिलहाल बैंडेजेस लगा रहा था, हेल्थ ही नहीं, तो सेक्रीफाइस भैया वो कर देता डाउन, बाकी दो बंदे और होते आएंगे सुन के वो भी रश कर रहे होते हैं, तो साइलेंट जो है वहाँ पे इजीली जो है बंदूक को मारने में कामयाब हो जाता है। और मैं स्क्वाड से मतलब बिना फाइट लिए हम लोग स्क्वाड से जीत जाते हैं, मैं नहीं लेता, मेरे टीममेट स्क्वाड को वाइप कर देता है और ऐसे हम स्क्वाड से भी जीत जाते हैं पंचिंग की में मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अगर आपको लग रहा हो कि इंटेंस सीन हो रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना, यहाँ पे बंदे का साउंड आता है और ये उन्हीं जो जिन क्लैन था उन्हीं का बंदा होता है, ऊपर भाग गया होता है। मैं इसको फ़ौरन से चेस करता हूँ, उसके पीछे भागता हूँ कि भैया वेयर आर यू गोइंग, और भैया पता क्या करते हैं, भैया करते हैं कैंप। मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी आप देख रहे हैं हम सीढ़ियों पर देख रहा था स्पॉट करके कहाँ पर है। ओहो सर जी, हमने तो देखे नहीं, कान के नीचे लगाया बाबा भैया, जिन बाबा भैया को लॉबी भगाया और फिर की इनकी मदद से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यूज टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, लॉ ऑफ एनोनिमस। फिर हम मजे से लूट वगैरह करते हैं, M4 4X AKM, इससे ज़्यादा आइडियल लूट भाई, आइडियल लूट। अब मेरी ये जो कमेंट में मेरी एनोनिमस की पब्लिक मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ा रही होती है ना, मैं कहाँ बोलूँ आपको, हम वैसे आपको बोलते हैं कि हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है। अभी भी 9 किल मेरे हो गए साइलेंट के, अलग किल सिर्फ पचिंकी में, और अभी भी पचिंकी में बंदे मरे नहीं हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पर जितने ज़्यादा क्रेट्स थे ना वो सारी एक एक क्रेट, एक एक क्रेट मेरी पब्लिक लूट के ना आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को चढ़ाऊंगा कि देखो पब्लिक लूट पड़ी है, आप लोग नहीं लूट सकते। अच्छा बात है, बहुत सी मेरी एनोनिमस की पब्लिक क्या कर रही होती है। अच्छा सामने आ गया था बंदा, पहले मैं बंदे पे फोकस कर लें, मैं भी नेट कर रहा था, वो भी नेट कर रहा था, उसने भी नेट फेंका, मैंने भी नेट फेंका, मेरे नेट से उसको डैमेज होगा लेकिन उसके नेट से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और वह फिर अंदर भाग जाता है बंदा, पता नहीं नॉक कैसे नहीं हुआ, परफेक्ट था नेट, तो जहाँ से वो भागा नेट मेरा उधर ही था, लो हो गया होगा लेकिन बच गया। फिर जो है हम इसके पीछे जाने की ट्राई करते हैं पब्लिक के, इसको चेस किया जाए, उसको डाउन किया जाए, ये पीछे भाग रहा है भाग ना जाए, तो हम दोनों इसके पीछे की तरफ चल लेते हैं। पहले हम इसलिए रुके हुए थे कि हमें पता नहीं था एक बंदा है, दो हैं या चार हैं, कितने हैं, तो फिर हम फ़ौरन से इसके पीछे जाते हैं, भैया जो है वो पीछे पीछे भाग रहे थे, उनकी जिंदगी खतरे में होती। यहाँ पर ये मुझे ऑलमोस्ट डाउन कर गया था, मैंने जिगल विगल दे के यहाँ पर गॉड जिला भैया को डाउन किया, फिर इनको फिनिश किया बाबा जी, और फ़ौरन से अंदर आके हील करने लग जाता है। पूरे मैच में हमें लूट नहीं मिल रही थी, इतनी क्रेट्स, देखो यहाँ पे भी क्रेट्स पड़ी हुई हैं, लूट नहीं है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा क्रेट्स है पब्लिक, आप काउंट कर सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको लाइक टाइटल वाइटल से कुछ ऐसा लग रहा है तो अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतने बंदे तो होंगे, क्योंकि सबको तो हमने नहीं मारा, पब्लिक आपस में भी फाइट ले लेके बंदे बंदे थे। फाइनली हमें यहाँ पे हेल्थ मिल जाती है, तो उसके बाद अभी जितनी क्रेट्स है ना मैं आपको ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ तो मैं आपको चढ़ाऊँगा दिखा के क्रेट के कितनी अच्छी लूट है। अच्छा मैं इसी बारे में बात कर रहा था पब्लिक, समटम क्या होता है, मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम पे हमने अपनी स्टोरीज देखता हूँ, मतलब जो मुझे टैग किया होता है पब्लिक ने स्टोरीज में वो देखता हूँ, तो उसमें बहुत से लोग ना मतलब क्रेट में लूट कर रहे होते हैं, हमारी पब्लिक उसमें लूट होगी, अच्छी लूट होगी, हमारी पहली मोहब्बत आम होगी और अच्छी अच्छी लूट होंगी ना, तो फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करके बोल रहे थे नानी में, भैया आप हमें चढ़ाते हो, देखो यहाँ पे आम है, लाल 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 ऐसे करके चढ़ा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ सही है भाई, मैं आपको चढ़ाता हूँ, आप लोग मुझे चढ़ाते हो, हैं यहाँ पे आके ना पब्लिक, फिर मैं क्रेट्स वगैरह चेक कर रहा होता हूँ, वेस्ट फाइनली हमें मिल जाती है, वेस्ट भी नहीं होती, इतनी इतने बंदे मारे, इतनी क्रेट्स थी, 10 किल अलहमदिल्ला हमारे हो गए थे साइलेंट के अलग किले हैं, लेकिन मजा ले भाई कि ज़्यादा अच्छी लूट मिल जाए, मतलब देखो 2 की वेस्ट भी नहीं है, उसके अलावा 3 के बैग भी नहीं है जो कि नॉर्मली हमें मिल जाता है जॉर्ज पुलिया नोवो से, लेकिन फिर भी जो था भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से लूट वगैरह की। अभी रोड साइड पे जो साइलेंट ने बंदे मारे थे वो क्रेट्स भी लूटने थी, तो उस तरफ भी चल देते हैं हम कि वो क्रेट्स देख के जाएँ, क्या पता फ्लेयर गन मिल जाए। अच्छा पोचिंकी में बहुत कम फ्लेयर मिलती है, मिलती है ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी बार मुझे पोचिंकी में फ्लेयर मिली है, ये क्रेट थी जो भाई रिफ्लेक्स मार रहे थे जिन भैया, और उसके अलावा जो सारे ने बंदे मारे थे वो उनकी क्रेट्स थी, तो पब्लिक वो नाइस यहाँ पे वो आते हैं साइलेंट के व्यू, ये जो नई अपडेट में काफ़ी औसम औसम चीज़ें हैं। डीपी नज़र है ना तो मेरा दिल थोड़ा सा पिघला कि डीपी ले लूँ, फिर मुझे पता चला ऑलरेडी मेरे पास डीपी है, LOL LOL। फाइनली चलो भाई 3 का बैग भी मिल गया, पचिंग के हमारी बेस्टी कर रहे हो, लूट नहीं होती, लो 3 का बैग, ये लो वो बोलेंगे लो 2 की वेस्ट भी ले लो, हैं पचिंग की हमें चढ़ा रहा है। मेरी एनोनिमस की पब्लिक फिर अच्छे से लूट वगैरह की, और यहाँ से अब जाने का टाइम था, तो हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब मिलिट्री बेस उतरता हूँ फिर मैं वहाँ से आता हूँ पचिंकी, पचिंकी से जाता हूँ अपार्टमेंट्स, स्कूल अपार्टमेंट और रोजॉक, और जब पचिंकी उतरता हूँ तो सबसे पहले मैं यहीं पर जाता हूँ अपार्टमेंट्स में, अपार्टमेंट से फिर स्कूल, फिर रोजॉक, फिर जॉर्ज पुल वगैरह साइड, और फिर सम टाइम फिर ये
शेल्टर वाली साइड बंदे ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। अब मैंने गाड़ी उठाई पब्लिक, आप देख सकते हो मैप में मार्क करा था, कोई हमें बुला रहा था, पर हमें आइडिया था कि ये रियल हो सकता है, तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। और जैसे ही हम पहुँचते हैं, ये बंदे अभी भी पचिंकी में बाकी थे, ये आई गेस पैदल भाग रहे थे और ये बुला रहे थे ओपन में, पैदल यहाँ लूट की होगी, ओपन में जाके बैठ गए और फिर ओपन में बुला रहे हैं कि जो ओपन में आएगा बॉट समझ के मार देंगे। इतनी चिल्लाक आवाम है भाई हमारी एनोनिमस पब्लिक, हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई। और अभी आपको लग रहा होगा एक ही बंदा है, इसने क्या किया, लूट करके पीछे जाकर खड़ा हो गया और बॉट फायर दे रहा था, कोई आएगा ओपन में मार दूंगा, लेकिन ये एक बंदा नहीं है। अब यहाँ पे अपनी वो अकल इस्तेमाल कर रहा था, हम अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे थे। देखना वो बंदा वहाँ पे जंप वंप कर रहा था बुश के पीछे देखने के लिए, लेकिन अब मैं ओपन में जाना नहीं चाहता। मैंने साइलेंट को बोला, भाई तू गाड़ी लेके जाए, तुझे मारेगा मैं इसको मार दूंगा। मैंने वैसे ही किया, जैसे वो साइलेंट पे गोली चलाने लगा मैंने इसको डाउन कर दिया। लेकिन ये अकेला नहीं है, एक नहीं बल्कि दो बंदे कैंप कर रहे थे। वो साइलेंट भैया हमारे रुके और वो उनको पड़ गई गोलियाँ और वो हो गए नॉक। UMP5 से उसी के टीममेट ने डाउन कर दिया था, हमने रिवाइव दिया। अब वो बंदा भी दूर से स्पॉट कर रहा होगा मेरे टीममेट को, मैं भी इसको मतलब उसको स्पॉट कर लेता हूँ कि वो कहाँ पर है, पहले हम रिवाइव देंगे क्योंकि रिवाइव ज़रूरी है भाई। इसके टीममेट नॉक पड़ा हुआ है, ये पीछे रिवाइव होने के लिए जा रहा है, इसको कन्फर्म भी करना है। और वो देखो जंप कर रहा था, तो मैं भाई को बोलता हूँ नो जंप, प्लीज़ ज़रा फाइट ले लो, नो जंप। टैप टैप करके मारने का मकसद होता है बताने का कि भाई फ़ाइट लो आप, तो मैं फ़ाइट लेने का भाई को बोलता हूँ। उसके बाद मैं साइलेंट को बोलता हूँ, भाई तू राइट साइड से आगे रश कर, ये तुझे मारेगा ना मैं इसको डाउन कर दूंगा। ये हमारी एक ट्रिक होती है, साइलेंट जाता है राइट से, वो बंदा निकल के साइलेंट को मारने के लिए निकलता है, मैं काफ़ी लो करता हूँ। फिर मैंने रिवाइव नहीं दिया, मैंने कहा भाई वो लो है तो रश कर दिया जाए, और ऐसे ही था पब्लिक, वो बंदा काफ़ी लो था, तो हमने कान के नीचे लगाया, लबी भगाया भैया को, मौत को छुआ अकल इस्तेमाल करके टक से वापस आ गए। फिर अपने टीममेट को देते हैं रिवाइव। अब पब्लिक 5 किल थे साइलेंट के, 12 किल थे मेरे, 17 किल्स ये हो गए। और जो पब्लिक बंदे आपस में लड़के मरे, ठीक है वो भी अब लाइक 13 तो गिन सकते हो, कितने ज़्यादा बंदों के मिला के भी 13 किल नहीं होंगे पचिंकी में, जब हम मेरे 12 हैं और इसके 5 हैं, तो कितने ज़्यादा बंदे थे। किसी का एक होगा, किसी का 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, आपस में लड़े भी हैं वो जब हम लूट कर रहे थे, तो मतलब एक एस्टिमेट मैंने लगाया था ना, तो 25-30, हाँ 30 तक बंदे पचिंकी में आए थे, बेशक वो बाद में आए हों या कुछ भी था। तो पब्लिक हमने फिर मज़े से लूट वगैरह की, और यहाँ से फिर ये जो हमारी डैमेज गाड़ी थी इसको लेके हम निकल जाते हैं अपार्टमेंट्स की तरफ, अनॉनिमस अपार्टमेंट, जिस जो स्कूल अपार्टमेंट्स हैं लेकिन हमने उसका नाम रखा हुआ है अनॉनिमस अपार्टमेंट। हमने भाई अपने रूल्स बनाए हुए हैं, अपनी लॉ बनाए हुए हैं, लॉ ऑफ अनॉनिमस, लूट करो मजाक, एनिमी को फाड़ो कैस करो, नेट से ठाक करके, एवरी थिंग इज़ फेयर इन पबजी, और किल का नो मजाक। तो हमने अपनी मेहरान की उठाई, भगा के मैं फ़ौरन से जा रहा होता हूँ अपार्टमेंट्स की तरफ, और अपार्टमेंट में ऊपर बंदे होते हैं वो हमें देख लेते हैं। मेरी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी थी, ऊपर से ड्रॉप भी आया हुआ था, फ्लेयर ड्रॉप, ऊपर से गाड़ी की हालत ऐसी थी कि मैं नहीं चाहता था बिल्कुल मुंह पे ले जाऊँ और वो गाड़ी पे गोली मार के ब्लास्ट कर दें और हम गाड़ी में मर जाएँ, तो मैं पीछे वाली बिल्डिंग में ही रुक जाता हूँ। ड्रॉप एक बंदा लूट रहा था, सही से नज़र नहीं आता, तो मैं बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ मैं अपने महान टीममेट अपने साइलेंट भैया को बोलता हूँ कि छत पे मत जाना, मैं बहुत खेलता हूँ स्कूल अपार्टमेंट में, फाइट लेता हूँ बहुत ज़्यादा स्कूल अपार्टमेंट्स खेलता हूँ, इसकी छत पे मत जाना बुरी तरह फंस जाओगे, सामने वाली छत पे बंदे हैं। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि गधे के सर पे सींग, हमारे सारे टीममेट्स, आपके भी टीममेट्स मुझे पता सारे ऐसे होते हैं ना, हमारे भी ऐसे होते हैं, अभी तक तो मेरी बात सुन ली, थोड़ी देर बाद फिर जाके छत पे पहुंच जाएगा, मतलब सुनेंगे तो नहीं, आपके भी ऐसे टीममेट होंगे, वो देखो छत पे पहुंच गया, मना करने के बावजूद हैं आपके भी ऐसे टीममेट होंगे बिना मतलब आपकी बात सुनते ही होंगे, तो मेरे भी ऐसे ही हैं। अब देखो मैं नहीं गया, मैं पता जा सकता हूँ, मुझे पता वो जगह ठीक नहीं है, तो मैं नेट कर रहा था, वो भी नेट कर रहा था, उसमें मॉली वाली नेट वेट की, मैं फ़ौरन से भाग के दूसरी साइड आ जाता हूँ, जैसे मैंने बोला था वही हुआ, साइलेंट भैया हो गए नॉक। उसके बाद पब्लिक मैंने एक बंदे को यहाँ पर नॉक करने की ट्राई की, ये बच जाता है, आगे आ रहा होता है, मैं फ़ौरन से गन चेंज करता हूँ, उसको कर देता हूँ डाउन। अब जो दूसरे बंदे थे वो ऊपर वाली बिल्डिंग में ही थे, साइलेंट सर ऊपर नॉक पड़े थे, उसने नेट किया, मैं पीछे भागा, लेकिन नेट मेरे मुँह पर आगे फट जाता है और ऐसे में मर जाता हूँ। फिर मैं साइलेंट भैया को बोला, भाई हमने आपको बोला था मेरा गेम प्ले बनने वाला है, बहुत अच्छा गेम जा रहा है, पचिंकी में बहुत अच्छे किल किए, प्लीज़ आप छत पे मत जाना, छत पे जाओगे आप नॉक हो जाओगे और पुश कर देंगे सामने वाले। लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, तो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी तरह पचिंकी में सर्वाइव करने के बाद हमारे टीममेट ने छत पे जाके उनको मौका दे दिया। अच्छा अगर पब्लिक वो गन फाइट लेने आते ना, मैं कभी भी उनको रश करने ना देता, नेड आया और नेड बस आप कह सकते हो आपका लक वहाँ पे नहीं चला। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता, मैं उस रूम से निकल रहा था लेकिन नहीं निकल पाया और नेट ने अपना काम दिखा दिया। खैर मेरी एनोनिमस पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ 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 उसे माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो उसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुम्मी, बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।